चार इस वीडियो में कवर करेंगे एक, की क्या होते हैं? दो इंडेक्स म्यूचुअल चार इस ट्रैकिंग एरर के चलते आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मैप करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल

ये हिलते रहते हैं एंड उसको अगर कोई इंडेक्स ट्रैक करता है दैट इज कॉल्ड द निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स अब एक म्यूचुअल फंड बोल सकता है यार ये टॉप फिफ्टी कंपनी है इंडिया की एंड इनमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो देन वी विल सम वॉट रिप्रेजेंट कि ये टॉप फिफ्टी कंपनी कैसे कंबाइन करके एक अच्छा रिटर्न देंगी सो दे विल क्रिएट म्यूचुअल फंड कॉल्ड निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिसका काम होगा कि जैसे जैसे ये एक्चुअल निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स हिलेगा वैसे वैसे वो म्यूचुअल फंड उन स्टॉक्स को खरीदेंगे या बेचेंगे जो कि इन टॉप फिफ्टी स्टॉक्स को कम्प्राइज करते हैं सिमिलरली आपका एक मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो सकता है सिमिलरली आपका एक स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो सकता है विच अगेन आर ट्रैकिंग इंडेक्सेस जो कि स्टॉक मार्केट्स ने वेरी फंडामेंटली एस्टैब्लिश करके आपको दिए हुए हैं बट ट्रैकिंग ऑल ऑफ दिस इज नॉट इजी क्योंकि ये स्टॉक्स रोज के रोज चेंज हो रहे हैं हर सेकंड चेंज हो रहे हैं सो टू मेक श्योर कि आपका भी म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली उसी चीज को ट्रैक कर रहा है बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एर ये है सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो तो फर्स्ट करिए आपने एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो कि निफ्टी फिफ्टी को ट्रैक करता है एंड एवरी ईयर फॉर द लास्ट फाइव इयर्स आपके ये रिटर्न्स आए हैं तो दस परसेंट परसेंट ट्वेल्व पॉइंट फोर परसेंट थर्टीन पॉइंट वन परसेंट इलेवन परसेंट एंड इन्हीं सालों में एग्जैक्टली निफ्टी फिफ्टी ने ये रिटर्न्स जनरेट करे इलेवन परसेंट टेन पॉइंट फाइव थर्टीन पॉइंट नाइन ट्वेल्व पॉइंट नाइन इलेवन पॉइंट टू अब ये पॉसिबल है जरूरी नहीं है कि जिस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो हमेशा निफ्टी फिफ्टी या जो भी इंडेक्स वो ट्रैक कर रहा है उससे कम ही रिटर्न देगा कभी कभी ज्यादा भी दे सकता है एंड दैट इज ऑल्सो विजिबल फॉर एग्जाम्पल हियर तो ट्रैकिंग डिफरेंस इज सिंपली द एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ द इंडेक्स माइनस द एक्चुअल इंडेक्स जो ट्रैक कर रहा है एंड दिस इज देन द नंबर तो आपने एक साल एक परसेंट कम रिटर्न दिया दूसरे साल आधा परसेंट ज्यादा दिया फिर डेढ़ परसेंट कम दिया फिर ज्यादा दिया फिर, दिया, फिर कम दिया एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रैकिंग डिफरेंस ट्रैकिंग एरर जो कि ज्यादा जरूरी एक मैट्रिक है दैट इज द स्टैंडर्ड दिएशन ऑफ दीज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स व्हिच इज पॉइंट एट परसेंट स्टैंडर्ड डिशन थोड़ा टेक्निकल है तो उसमें घुसेंगे नहीं बस ये याद रखिए कि ट्रैकिंग एरर जो है दैट इज स्टैंडर्ड दिविएशन ऑफ द ट्रैकिंग डिफरेंस मतलब आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड और एक्चुअल जो ट्रैक हो रहा है इंडेक्स उनका अंतर और उसका एनुअलाइज स्टैंडर्ड डिशन इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि कितनी खूबी से इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड ने एक्चुअल इंडेक्स को ट्रैक किया है दैट इज वाई इट इज सच एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्योंकि अगर ये नंबर बहुत बड़ा है दस परसेंट है इसका मतलब ये कि इंडेक्स किसी और दिशा में जा रहा है और आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो उसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है वो उससे हमेशा हटके ही चलता है सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट डिफरेंस बिकम्स रियली बिग तो बाय डेफिनेशन ये ट्रैकिंग एरर बहुत बहुत कम होना चाहिए अब नंबर तीन ये ट्रैकिंग एरर आता ही क्यों है क्योंकि अगर आप एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसी को खूबी से फॉलो करिए टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है वाई वुड यू नॉट बी एग्जैक्टली ट्रैकिंग द सेम थिंग तीन बड़े रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड इंडेक्स म्यूचुअल एक्चुअल इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं नंबर 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 वन वन एक्सपेंस रेशियो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं चाहे आपने डायरेक्टली किया हो या आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप एक एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड को देते हैं तो आपके सौ रुपए जो इन्वेस्ट हुए होते हैं उसमें से सौ समथिंग समथिंग

डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड या कैश रिजर्व किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी भी पॉइंट पर कम से कम दो से पांच परसेंट कैश जो है वो खाली होता है इन द सेंस मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं होता है क्यों क्योंकि अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड बेचने होंगे तो वो पैसा वो स्टॉक्स बेच के नहीं लाएंगे वो जो कैश रिजर्व होगा उसी में से आपको दे देंगे एंड दे विल इंश्योर कि ये साइकिल चलती रहे दूसरा कभी भी अगर फर्ज करिए फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है एंड लोगों ने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है या ईयर एंड खत्म होने वाला है लोगों को बहुत बोनस मिल चुका है तो वो इन्वेस्ट हो गया या डिविडेंड्स रिलीज हो गए हैं कंपनीज ने अनाउंस कर दिए हैं तो वो पैसा सारा म्यूचुअल फंड में आ गया है सो सडनली द कैश इंक्रीजेस एंड वो धीरे धीरे करके फिर से इन्वेस्ट होता है एंड नंबर तीन जो बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है कि जब आप स्टॉक्स खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी हो सकती है या कोई मार्केट कंडीशन एकदम रातों रात चेंज हो चुका है फॉर एग्जाम्पल जब मार्च ट्वेंटी

तो नंबर एक जब भी आप कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो चाहे वो निफ्टी फिफ्टी हो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो या कोई और इंडेक्स हो तो ट्रैकिंग एरर जरूर देखें सिर्फ रिटर्न्स देखकर खुश मत हो जाइएगा क्योंकि ट्रैकिंग ट्रैकिंग सॉरी एरर जो है दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेट कि वो एक्चुअली इंडेक्स को मैप कर भी पा रहा है या नहीं फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं दिस इज बाय साइट कॉल कैफे म्यूचुअल ये प्लीज इंडोस्ट नहीं है मैंने सिर्फ गूगल किया था फाइंडिंग कि व्हाट इज इट एंड ये अगस्त 30th का है तो डेटा थोड़ा सा डेटेड है एंड इनके हिसाब से टॉप थ्री ऑफ द 34 तो जो लार्ज कैप है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स या निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स इनके लोएस्ट ट्रैकिंग एरर वाले ये हैं सो SBI निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड या यूटीआई निफ्टी 50 इनका 0.03% ट्रैकिंग एरर है व्हिच मींस इट इज रियली क्लोज

आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप कैप्टी एक मोतीलाल ओसवाल का है पॉइंट वन सेवन ये अगेन प्लीज इंडोर्समेंट नहीं है इनके चलते हैं ये म्यूचुअल फंड मत खरीदेगा आई एम जस्ट शोइंग यू वॉट इज द एक्चुअल डेटा एज रिपोर्टेड बाई दिस साइट कॉल कैफे म्यूचुअल जिसके बारे में मुझे आज से पहले नहीं पता था स्मॉल कैप

म्यूचुअल फंड या अगर आप कोई ग्रोथ म्यूचुअल फंड ले रहे हो जिसमें बहुत सारे कंपनीज हैं सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ या अगर कोई अपॉर्चुनिटी या डिविडेंड म्यूचुअल फंड ले रहे हो आल्सो बी डिफरेंट तो ये किसी इंडेक्स को ट्रैक नहीं करते दिस इज एक्टिव मैनेजर सिटिंग एंड डिसाइडिंग की ये स्टॉक खरीदें या इस कंट्री में इन्वेस्ट करें या इस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करें देर यू डोट हैव टू ट्रैक एनी थिंग कॉल द ट्रैकिंग एर लेकिन अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं ट्रैकिंग एर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मेंट